कैसे फोन को रात भर चार्ज में लगाने से एक बंदे का पूरा घर जलकर राख हो गया, और कैसे एक आदमी ने सिर्फ 800 रुपए के लालच में 70,000 करोड़ गवा दिए, और कैसे एक सोल्जर को बचाने से करोड़ों लोगों की जान चली गई। तो ऐसे ही दुनिया की सबसे महंगी गलतियां जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 5, क्या आपको पता है कि नागासाकी और हिरोशिमा बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ था। दरअसल वर्ल्ड वार टू में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन जापान सरेंडर कर ही नहीं रहा था। तो फिर जापान पर सभी कंट्रीज फोर्स करने लगे कि तुम भी सरेंडर कर दो। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिप्लाई देते हुए कहा मोकू सात्सु, जिसका जापान में मतलब होता है कि हम सोचेंगे। तो अमेरिका के ट्रांसलेटर ने इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया, और फिर अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब गिराया, जिससे जापान को कितना नुकसान हुआ ये तो आप भी जानते हैं। बस एक छोटी से ट्रांसलेटिंग मिस्टेक की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। नंबर 4, एक बार एक हंटर जंगल में खो गया और फिर रात हो गई, और रात में ठंड से बचने के लिए उसने आग जलाई, लेकिन सुबह होने पर वो बिना आग बुझाए ही चला गया, और उसने उस आग को एक सूखे पेड़ के नीचे जलाया था, जिससे पेड़ में आग लग गई और फिर धीरे धीरे वो आग पूरे जंगल में फैल गई, और यही वजह थी दुनिया की सबसे बड़ी फॉरेस्ट फायर की। और इस आग को बुझाने में करोड़ों रुपए का खर्च आया, और ये सब बस एक छोटी सी लापरवाही की वजह से 2003 में हुआ था। नंबर 3, इस आदमी ने सिर्फ $800 के लिए 74,000 करोड़ गवा दिए, मगर वो कैसे? तो दरअसल एप्पल कंपनी के 2 फाउंडर थे, लेकिन एप्पल के एक तीसरे फाउंडर भी थे जिनका नाम था रोनाल्ड वेन, और ये भी एप्पल के 10% शेयर के मालिक थे, पर ये सिर्फ 12 दिनों तक। उसके बाद उन्हें लगा कि एप्पल कंपनी डूब जाएगी, और इसीलिए इन्होंने अपना 10% शेयर, जो कि $800 था, उसे बेच दिया, और वे बहुत ही खुश हो गए। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं तो ये आज 74 लाख करोड़ की कंपनी के मालिक होते और आज ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में टॉप 10 में आ सकते थे। नंबर 2, एक आदमी का घर रात में फोन चार्ज करने की वजह से जलकर राख हो गया। दरअसल उस आदमी ने पूरी रात के लिए फोन चार्ज में लगाया था, और इनका फोन आज के जनरेशन जितना स्मार्ट नहीं था, और इसीलिए इनका फोन फूट गया और उसमें आग लग गई, जो कि तारों से होते हुए सीधा मेन पावर सोर्स तक चली गई, और उनके घर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे उसका घर जलकर राख हो गया। बस एक फोन चार्ज में लगाने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर आप भी अपने फोन को रात भर चार्ज में लगाते हो तो सावधान रहिएगा। नंबर 1 से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें यह वीडियोस बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, कैसे एक सोल्जर की छोटी सी गलती की वजह से करोड़ों लोगों की जान चली गई। दरअसल एक सोल्जर ने एक जख्मी और घायल दिख रहे सोल्जर को जिंदा छोड़ दिया था। उसके पास पूरा मौका था इसे मारने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और यही घायल सैनिक था एडोल्फ हिटलर। और इसी लड़ाई में जिंदा बचने के बाद हिटलर ने जर्मनी में बहुत ही बड़ी आर्मी बनाई और वर्ल्ड वार टू शुरू किया, जिसमें सब मिलाकर खरबों रुपए का नुकसान हुआ और लगभग 85 मिलियन लोगों की जान भी गई। इसलिए इसे इतिहास का सबसे बड़ा मिस्टेक भी कहा गया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर आती रहती है। और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।